खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक दिन राहुल ने छिपकर अपने जिगरी दोस्त की बातें सुनी। बातें कुछ ऐसी थी कि राहुल का दोस्ती से भरोसा उठ गया। फिर किसी ने समझाया कि ज्यादा सोचो मत इस बारे में। जब हम घर से पहली बार निकलते हैं तो हम सब के साथ इस तरह के अनुभव होते हैं। इंसान की परख घर से बाहर निकलने के बाद ही पक्की होती है। राहुल और उसका दोस्त विकास हॉस्टल के एक ही रूम में रहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। राहुल को लगता था कि इन 3 सालों में मुझे जिंदगी भर का दोस्त मिल गया। इंजीनियरिंग का 3रा साल था। आखिरी सेमेस्टर से ही कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने लगी। सब प्लेसमेंट की तैयारी में व्यस्त थे। एक दिन विकास लाइब्रेरी के बाहर कुछ लड़कों से बातें कर रहा था और राहुल ने सारी बातें सुन ली। विकास कह रहा था कि राहुल तो चमन है, पता नहीं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आया कैसे। उसका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। विकास के साथ बाकी दोस्त भी हंसने लगे। राहुल चुपचाप सारी बातें सुनता रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अजीज दोस्त उसके पीछे ऐसी बात कर सकता है। राहुल को सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि मैं ऐसे इंसान को पहचान क्यों नहीं पाया। मैं जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वो तो विश्वास के काबिल ही नहीं। ये सारी बातें दिमाग में घूमती रहीं। राहुल कुछ और सोच नहीं पा रहा था। उस दिन वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। धीरे धीरे उसे शक होने लगा, कहीं सच में मेरा प्लेसमेंट ना हुआ तो। अगर मेरा दोस्त मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो पता नहीं बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। प्लेसमेंट का समय शुरू हो चुका था, पर राहुल हॉस्टल में ही सोता रहता। ना तो लेक्चर अटेंड करता, ना ही इंटरव्यू की तैयारी करता। बस हमेशा चिंता में कुछ ना कुछ सोचता रहता। वो सब लड़कों से दूर रहने लगा। पता नहीं किस पर भरोसा किया जाए। एक बार खाना खाते समय एक सीनियर ने राहुल को परेशान देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? राहुल ने सीनियर को सब बता दिया तो सीनियर राहुल को हॉस्टल की रसोई में ले गया और कहा, चूल्हे पर 3 बर्तनों में पानी रख दो, एक में आलू, एक में अंडा और एक में कॉफी बीन्स डालकर उबालो। जब तीनों बर्तनों में उबाल आ गया तो सीनियर ने आलू और अंडे को प्लेट में रख दिया और कॉफी को कप में भर दिया और कहा, इन तीनों को देखो और बताओ इतना उबलने के बाद इनमें क्या बदलाव आया है। राहुल ने कहा, आलू मुलायम हो गया है जबकि पहले वो कठोर था, अंडा कठोर हो गया है जबकि पहले वो कमजोर था। आखिर में राहुल ने कॉफी पी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कॉफी तो पूरी तरह बदल गई है, इसका रंग और स्वाद पहले से बढ़िया हो गए हैं। सीनियर ने राहुल से कहा, तुमको भी ऐसा ही करना है, विकास ने तुमको चोट पहुंचाई है, अब तुम इससे कमजोर होगे, कठोर बनोगे या फिर कुशाग्र बनोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। विकास की बातें सुनने के बाद तुमने घूमना फिरना और लोगों से बात करना बंद कर दिया और अपने मन को अंडे की तरह सख्त बना लिया, इसलिए तुम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। राहुल बोला, ये सब तो ठीक है लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि विकास ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सीनियर ने राहुल को समझाया, कई लोग इनसिक्योर होते हैं, खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कभी मुंह पर कभी पीठ पीछे और इस तरह की बातें करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। राहुल ने पूछा, तो फिर अच्छा दोस्त कौन होता है? सीनियर ने कहा, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉर्डन पीटरसन, उनके अनुसार सच्चे दोस्त को और एक अच्छे इंसान को 3 बातों से पहचाना जा सकता है। पहली निशानी है रिएक्शन ऑन बैड न्यूज। जब तुम अपनी परेशानी बताते हो तो सच्चा दोस्त तुम्हारी पूरी बात सुनेगा, ना बीच में काटेगा, ना अपनी तरफ से कमेंट्री करेगा कि भाई तू फालतू चिंता मत किया कर, क्योंकि सच्चा दोस्त समझता है कि अपनी चिंता सुनाने के बाद ही इंसान हल्का महसूस करता है। दूसरी निशानी है रिएक्शन ऑन गुड न्यूज। सच्चा दोस्त तुम्हारी सफलता में खुश होता है, तुम्हें आगे बढ़ता देख ईर्ष्या नहीं करता। जब तुम अच्छा करते हो तो वो अपनी शेखी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि वो खुद में कॉन्फिडेंट है और तुमसे कॉम्पिटिशन नहीं रखता। वो कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड मेक्स द गुड टाइम्स बेटर एंड द हार्ड टाइम्स ईजियर। अच्छा दोस्त अच्छे समय को अच्छा बनाता है और कठिन समय को आसान बनाता है। तीसरी निशानी है इंस्पायर्स यू टू ग्रो। सच्चा दोस्त सही रास्ता चुनने में मदद करता है, वो चाहता है कि कठिन समय में तुम आगे बढ़ते चलो। जो आपकी मेहनत पर हंसते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता। ये तीनों बातें सुनकर राहुल का दिमाग घूम गया। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। सबसे पहले सामने आई तीसरी निशानी कि जब राहुल कांच के सामने जोर जोर से इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करता
तब विकास बीच बीच में कहता, भाई ये सब करने से क्या होता है। एक बार राहुल कॉलेज का कोडिंग कॉम्पिटिशन जीता तो विकास स्कूल की बातें करने लगा कि मैं तो स्कूल में हेड बॉय था और ऐसे कॉम्पिटिशन तो स्कूल में होते रहते थे। राहुल को महसूस होने लगा कि विकास तो हमेशा से हल्का इंसान है, खुद से इनसिक्योर है, ऐसा इंसान कभी भरोसे के काबिल नहीं है। राहुल को समझ आया कि ऐसे दोस्तों से तो अकेले रहना बेहतर है। उसके मन में बस एक सवाल था कि मैं अच्छे दोस्त खोजूंगा कैसे। सीनियर ने कहा, क्या तुम में अच्छे दोस्त की, क्या एक गहरे इंसान की तीनों खूबियां मौजूद है? क्या तुम दूसरों की तरक्की पर खुश होते हो? क्या तुम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते? क्या तुम लोगों की बात आराम से सुनते हो? तुम खुद अच्छे इंसान बनो, तुम खुद खुश रहो, तब जाकर सच्चे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। साथ में मनोविज्ञान और लोगों के इरादों को समझो, जिससे तुम अच्छे लोगों पर विश्वास कर पाओ। सीनियर ने आगे कहा, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। जब हम घर से पहली बार बाहर निकलते हैं तो हम सबके साथ इस तरह के अनुभव होते हैं। हम कभी धोखा खाते हैं और कभी हम खुद गलती करते हैं, और यही अनुभव हमें इंसान पहचानने में माहिर बनाते हैं। अब तुम अकेलापन दूर करो, चाहो तो 2-3 महीने के लिए दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ और मन लगाकर तैयारी करो। राहुल मुस्कुराया। आज उसे कई सारे जवाब मिल गए थे। उसने अपना बैग उठाया और आगे की प्लानिंग करने सीधे लाइब्रेरी चला गया। दोस्तों, कैसे अभ्यास आपकी पर्सनैलिटी को अंदर से बदल देता है, एक लड़के की कहानी जो अभ्यास के दम पर एक महान खिलाड़ी बना। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।